हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तीन टाइप के सॉल्यूशन का पीएच निकालेंगे, वो भी रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से। तो पहला टाइप है कि जब सिर्फ वाटर है आपके पास, राइट, जो हम पानी पीते हैं वही वाटर की बात कर रहा हूँ। सिंपल अगर वाटर है तो वी नो कि उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है और इक्वल होता है, डैट इज़ 10^-7 मोलर। ये आपको याद रखना है, रूम टेम्परेचर पर ये फिक्स है, राइट। तो इसलिए pH और pOH दोनों इक्वल होंगे और 7 हो जाएगा, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है, राइट। इसलिए अगर प्रैक्टिकल फीलिंग की बात करें तो वाटर को थोड़ा अगर हम बॉयल करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और वाटर को अगर नॉर्मल कंडीशन में पीते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे बेटा तो फिर ये कंसंट्रेशन H प्लस OH माइनस चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है। इक्विलियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो चूंकि हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, जब तक वो कुछ टेम्परेचर मेंशन ना करे, चेंज ना करे, आपको चेंज नहीं करना है। रूम टेम्परेचर होता है, डैट इज़ 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें फिक्स हैं, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है। इसलिए pH pOH न्यूट्रल वाटर का, जब वाटर में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो फिक्स है 7, और kW 10^-14 है। आपको ये भी मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे pH प्लस pOH का सम ऑलवेज 14 होगा, राइट। ये दोनों का सम भी फिक्स है, एक फिक्स नंबर है 14। अगर pH ज़्यादा होगा तो pOH कम होगा, और अगर pOH ज़्यादा होगा तो pH, बट दोनों का सम 14 आना है। तो पहले टाइप का सॉल्यूशन का क्लियर है, राइट। सेकेंड टाइप, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वाटर में मैंने एसिड सिर्फ ऐड किया, ध्यान दे, वाटर में सिर्फ हमने एसिड ऐड किया। अब एसिड में कंडीशन हो सकती है कि आपने जो एसिड ऐड किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, या फिर वो वीक एसिड है, या फिर वो मिक्सचर ऑफ एसिड है। मिक्सचर ऑफ एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक से ज़्यादा ऐड कर दिया, या वीक एसिड एक से ज़्यादा ऐड कर दिया, या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड दोनों ऐड कर दिए, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है। डैट मीन्स वाटर में हमने सिर्फ एसिड ऐड किया है। तो वेरी सिंपल, आप pH कैसे निकालेंगे? अगर वो एसिड वीक एसिड है, और ये कैसे पहचानेंगे, तो हमने बता दिया क्वेश्चन में इक्विलियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे देगा, जो कि ऑलवेज 1 से लेस होगा। तो अगर वो इक्विलियम कांस्टेंट की वैल्यू Ka दे देता है, मतलब वो एसिड आपका वीक हो गया है, नहीं देता है तो वो स्ट्रॉन्ग है। वेरी सिंपल। तो वीक एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रूट अंडर ऑफ, दैट इज घर के अंदर, राइट, रूट अंडर ऑफ के इक्विलियम कांस्टेंट इनटू एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा उससे आप निकाल लेंगे, राइट। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वीक एसिड को एच ए, और जब भी वीक एसिड होगा तो डबल साइन से दिखाएंगे, इक्विलियम साइन से एच प्लस और ए माइनस में ब्रेक होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे सी है तो इसका 0 0 होगा, टी इक्वल टू इक्विलियम पे अगर सी में से सी अल्फा गया तो इसका सी अल्फा, इसका सी अल्फा बनेगा 1:1 रेशियो, राइट। इसलिए आप एच प्लस दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है एसिड के कंसंट्रेशन से, या फिर इक्विलियम कांस्टेंट गिवन है तो रूट अंडर ऑफ इक्विलियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे इक्विलियम कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, 1:1 है, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 - अल्फा, एक एक सी कैंसिल हो गया। अगर अल्फा 1 से वेरी लेस है तो डेफिनेटली फिर 1 - अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये सी अल्फा स्क्वायर ये हम लेते हैं। तो कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है, वीक एसिड होगा तो एच प्लस फिक्स है रूट अंडर ऑफ के इंटू सी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो इसमें इतना झंझट ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आप कैसे पहचानोगे, के नहीं गिवन होगा, सिंगल एरो से दिखाएंगे, तो जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा वही एच प्लस का हो जाएगा अगर 1:1 में ब्रेक हो रहा है। तो ध्यान दें, अगर यहाँ पे H2 है, दो एच प्लस अगर दे सकता है, डाइप्रोटिक एसिड है, तो इसके एक मोल से इसका 2 में मिलेगा, इसलिए इसके सी कंसंट्रेशन से इसका 2C मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ से एक तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाटर में जो भी एसिड ऐड किया तो H प्लस नेट कितना है, टोटल H प्लस कितना हुआ, डैट मीन्स सारे सोर्स से आने वाले H प्लस को ऐड कर लेना है। इसलिए नेट H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ऑल सोर्सेज में कौन कौन हो गए, एक खुद वाटर जो कि फिक्स था, राइट, 10^-7, फिर उसका जो एसिड आपने ऐड किया वो सारे को जोड़ देना है। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है कि अगर आप 2 या 3 H प्लस को जोड़ रहे हो तो उसमें ध्यान देना है कि डिफरेंस अगर 100 से ग्रेटर का हो रहा है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ बिग वन को कंसीडर करना है, रेस्ट को छोड़ देना है। कैसे, उसको देखो, सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कहीं पे H प्लस का कंसंट्रेशन 10^-2 आया, राइट, और वाटर का 10^-7 है,
ये दोनों है, तो डेफिनेटली ये बहुत छोटा हो गया इसके कंपेरिजन में, राइट, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 आप समझ रहे हो 1/100 है, ये 1/10 की पावर 7 है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए h प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो इस पॉइंट का यही मतलब, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप बहुत सारे सोर्सेज हैं h प्लस के तो उन सबको ऐड कर रहे हो तो कि इसमें जो सबसे बड़ा होंगे उससे कंपेयर करना जो रेस्ट बचे हुए हैं, और अगर डिफरेंस 100 से ज़्यादा का रहा है तो निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर h प्लस 10 की पावर माइनस 3 है, प्लस 10 की पावर माइनस 6 है, प्लस 10 की पावर माइनस 7, ऐसा आ रहा है आपको, तीन सोर्सेज हैं। तो ध्यान से देखो, ये 10 की पावर माइनस 3 जो है वो इससे भी और इससे दोनों से बिग है, तो हम इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे, हमारा h प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक से ज़्यादा सोर्सेज अगर h प्लस के हैं तो आपको क्या करना है, सबका ऐड तो करना है, लेकिन ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि डिफरेंस 100 से ज़्यादा का है तो निगलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट को एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और आपका फ्रेंड 1 रुपीज़, तो उसका कोई मतलब नहीं, राइट, वेरी सिंपल। तो वैसा ही अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको H प्लस आ गया, मतलब pH आ चुका है, क्योंकि ऑलवेज हमें H प्लस निकलना है, pH क्या हो जाएगा माइनस ऑफ log H प्लस, राइट। वैसे ही थर्ड टाइप क्या हो सकता है, बेस, तो बिल्कुल इसके जैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट H प्लस मिलता है, यहाँ पे आपको OH माइनस मिलेगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। वाटर में सिर्फ हमने क्या ऐड किया, बेस, तो बेस ऐड किया है तो फिर से क्या क्या हो सकता है, वीक बेस ऐड किए होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किए होंगे, मिक्सचर ऑफ बेस ऐड किया होगा, तो जो भी आपने ऐड किया तो इस केस में डायरेक्ट OH माइनस मिलेगा। यहाँ पे H प्लस क्या था, रूट अंडर के इंटू सी, बेस के केस में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KB, तो KB इंटू सी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, POH। तो pH निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस POH, यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, pH, बाकी सारी कंडीशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 600 ml 0.01 मोलर HCl में मिक्स किया गया है 400 ml 0.01 मोलर H2SO4, तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों एसिड का नहीं दिया, डैट मीन्स दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम H प्लस का सोर्सेज निकाल लेंगे, तो इससे H प्लस आपको कितना मिलने वाला है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखो तो ये 6 मिलीमोल्स आपको आ जाएंगे, किसका, H प्लस का, राइट। और यहाँ से जो H प्लस आएंगे, ध्यान देना है H2SO4 है, इसके 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिलेगा, इसलिए ये 8 मिलीमोल्स आपको मिलने वाले, राइट। तो टोटल H प्लस के मोल्स कितने हो गए, 14 मिलीमोल्स। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 1000, तो ये हो गया 14 × 10⁻³, राइट, कंसंट्रेशन आ चुका है। तो pH आपको बता रखा हूँ कैसे करते हैं, ये 3 वाले को आगे ले आना है, 10⁻³ वाला, और ये log 14 माइनस में हो जाएगा, 14 को भी आप कितना लिख सकते हो, 15 अप्रॉक्स में, log 15 अगर इसको लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो तो log 5 × 3, log 5.7 होता है, log 3.48, तो ये राइट, तो ये 1.18 हो जाएगा, तो 3 में से 1.18 मतलब 1.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.8, तो योर आंसर विल बी 1.8। तो ध्यान से देखो, बहुत ईजिली कर सकते हैं, राइट, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक वीक एसिड है, कैसे पता लगा, क्योंकि K गिवन है और 1 से लेस है, तो वीक एसिड उसका pH बताना है 0.02 मोलर है, तो आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट H प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ Ka 2 × 10⁵ इंटू कंसंट्रेशन C, डेट इज 0.2। तो यहाँ से देखो, ये पॉइंट से 2/10, तो 10⁻⁶ उसका रूट 10⁻³ और 2 का रूट सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³। तो अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट pH कितना हो जाएगा, 3 − log 2, 3 − log 2 इज 0.3, तो डेट इज 2.7, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में H2SO3 है, उसका Ka1 और Ka2 गिवन है, pH ऑफ दिस मोलर H2SO3, तो यहाँ पे ध्यान देना है Ka1 बहुत ही बड़ा है Ka2 से, कैसे पता लगा, ध्यान से देखो 10⁻², है और ये 10⁻⁸ है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे जाते हैं। और बाय द वे, चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन और 1 से लेस है, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है, तो अगेन डायरेक्ट H प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ Ka, तो यहाँ पे सिर्फ 1.7 इंटू 10⁻², वाला लेंगे, इंटू कंसंट्रेशन C, तो 0.558 है, इसको 0.6 के आसपास ले सकते हो,
17 6 the 102, जिसको 100 ले सकते हैं, राइट। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 100 और इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हो, तो नीचे में 100 इंटू 10 की पावर -2 रूट अंडर में, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर -1, तो pH क्लोज में कितना आ जाएगा 1। तो आपको कैलकुलेशन में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा सकता है कि pH 3 है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो Ka बताओ। तो Ka चूंकि पूछा है, डेट मीन्स वीक एसिड है, और अभी बताया कंसंट्रेशन H प्लस क्या होता है, रूट अंडर ऑफ K इंटू C, बस यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं हर बार। H प्लस निकल चुका है कैसे, यहाँ से pH 3 है, तो H प्लस कितना जाएगा 10 की पावर -3, जितना यहाँ पे इंटीजर होगा 10 की पावर में जाने देना है, रूट अंडर ऑफ K आपको निकालना है, और C कितना है 10 की पावर -1, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू K इंटू 10 की पावर -1, तो यहाँ से K कितना हो गया 10 की पावर -5। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये चारों प्रॉब्लम एसिड से रिलेटेड था, यही चार टाइप के प्रॉब्लम बेस से रिलेटेड भी आ सकता है, बट ध्यान रखना है कि वहाँ से डायरेक्ट OH माइनस मिलेगा, pH निकालना होगा तो 14 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये चारों टाइप के प्रॉब्लम आपको बेसिक सॉल्यूशन से भी पूछे जा सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि pH जब हम निकालते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होता है H+, राइट, वो मालूम होना चाहिए। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। इसलिए जब एक से ज़्यादा सोर्सेज हो तो आपको सारे सोर्सेज से पहले मोल्स ऑफ H+ निकाल लेना, और वो कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो फिर ये सारे मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। ध्यान रहे ये काम तब आपको करना है प्लस वाला, जब सेम नेचर हो, डैट मीन्स एसिड में एसिड ऐड करो, क्योंकि अगर एसिड में बेस ऐड कर दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इसलिए सेम नेचर का होना ज़रूरी है, एसिड में एसिड ऐड करो या बेस में बेस। और एक क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, कैसे सिंपल वे में करना है, ध्यान से देखो। 0.01 मोलर वीक एसिड HA है, उसका Ka गिवन है, डिजॉल्व इन 0.1 मोलर HCl 1 लीटर में, तो अल्फा क्या होगा, डैट मीन्स ऑलरेडी आपके पास कोई HCl सॉल्यूशन था जिसका 1 लीटर था और उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था, HCl था, इसमें आपने ऐड किया 0.01 मोलर एक वीक एसिड HA, तो इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, देखो कैसे करना है, चूंकि ये वीक एसिड है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दिखाऊंगा, राइट, और इसका Ka गिवन है मेरे को, डैट इज़ 2 × 10 की पावर -6, तो ये ब्रेक कैसे होगा, वेरी सिंपल है। वीक एसिड का आपको कंसंट्रेशन गिवन था 0.01, राइट, स्टार्टिंग में ये 0.0 होंगे, अब क्या होगा, जब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होंगी तो इसमें से कुछ इसका रिएक्ट होगा, इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स। पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि H+ एक्चुअल में है कितना, तो अगर ध्यान से देखो तो H+ मेरे पास कितना है, ये एक्स और प्लस ये ऑलरेडी 0.1, क्योंकि ये स्ट्रांग है, इसका K नहीं गिवन है, तो 0.1, चूंकि ये जो X है ये हम मान सकते हैं, या ऑलरेडी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वेरी वेरी लेस होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में आप वीक एसिड को ऐड कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग वाले और उसको वीक कर देते हैं, राइट, डैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं H+ 0.1 ही हो जाएगा। तो H+ आपको मालूम है, चूंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+, दैट इज 0.1 प्लस एक्स, दैट इज एक्चुअली 0.1, तो वो हमने पुट किया, कंसंट्रेशन ऑफ A-, तो वो x पुट किया, और कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो ये भी x इतना स्मॉल होगा कि 0.01 में से x माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको 0.01 ही रखा हमने, और कैलकुलेट किया तो x आया 2 × 10 की पावर -7। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ, कि हमें क्लियर है कि हमने जो एजम्पशन लिया वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि x आया 2 × 10 की पावर -7, जिसको अगर मैं 0.1 में ऐड करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर 0.01 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा एजम्पशन सही है। नाउ हमसे पूछा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, राइट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स ही क्या है, सी अल्फा के बराबर, और एक्स आप निकाल चुके हो कितना है, 2 × 10 की पावर -7 इज इक्वल टू सी, कंसंट्रेशन आपको मालूम था 10 की पावर -2 × अल्फा, तो अल्फा यहाँ से कितना आ गया 2 × 10 की पावर -5, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था अगर ये C होगा तो 0.0, और ये C माइनस, यही C अल्फा किए थे, तो ये C अल्फा और ये C
सी अल्फा। तो यहाँ पे टोटल ए माइनस का कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स है, डेट इज सी अल्फा, एक्स हम निकाल चुके हैं और वही सी अल्फा के बराबर है, सी हमें मालूम है, तो वहाँ से अल्फा डी ओ डी आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन होगा या बेसिक सोल्यूशन होगा तो उसका पीएच आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि रफी सर ने आपको ट्रिक दे दिया है। थैंक यू।